स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं अपना कोलांचल। गोमिया से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लैंडस्लाइड की। लैंडस्लाइड के बाद लापता सिक्योरिटी गार्ड का नहीं मिला है सुराग। सीसीएल गोविंदपुर फेज टू परियोजना में यह हादसा हुआ है। हादसे के दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिला है। सिक्योरिटी गार्ड का मोबाइल फोन को किया जा रहा था ट्रेस। घटनास्थल से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्विच ऑफ मिला गार्ड का मोबाइल फोन। घटना के दूसरे दिन अंधेरा होने पर रेस्क्यू कार्य बंद कर दिया गया है। प्रबंधन ने सिक्योरिटी गार्ड से राजकुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। राजकुमार, बड़ा हादसा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड लैंडस्लाइड में लापता हो गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन अंधेरे की वजह से रोकना पड़ा है, क्या कुछ सुराग मिलने की उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, जब से प्रबंधन ने गार्ड को सीसीटीवी में जाते हुए देखा है माइंस की ओर, उस समय से जो है सो रेस्क्यू का कार्य बहुत तेजी से जारी है और दिन भर जो है सो पूरा प्रयास किया गया, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई, लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि हटा पाना तत्काल काफी मुश्किल है। और जो है सो मंगाया गया, सीआरपीएफ की भी मदद ली गई है और डॉग स्क्वाड को भी मंगाया गया और जो है सो सहारा लिया गया। दो जगह जो चिन्हित भी किया गया है कि यहाँ हो सकता है कि हो, तो जिसके बाद वहाँ पर भी प्रयास किया जा रहा है खोजबीन का, लेकिन शाम ढलने तक किसी प्रकार का कोई जो है सो सफलता नहीं मिल पाई। जिसके बाद प्रबंधन जो है सो मोबाइल भी ट्रेस किया तो 2 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल स्विच ऑफ बताया जा रहा है। और वो सबसे बड़ी बात है कि उनका मोटरसाइकिल भी अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। दिन भर जो है सो लोगों का आना जाना लगा रहा, कई जनप्रतिनिधि तो नहीं, मजदूर संगठन के लोग पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की है और आश्वासन दिया है कि नहीं सो पूरा मदद की जाएगी, लेकिन उनके जो है सो सफलता खोजने में सफल नहीं हो पाया है प्रबंधन अभी तक। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि सिक्योरिटी गार्ड को सकुशल ढूंढ लिया जाए। उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई, हम भी यही उम्मीद करते हैं। राजकुमार, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए। लैंडस्लाइडिंग हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर। सिक्योरिटी गार्ड माइंस में गया, हाजिरी है, इन है, आउट नहीं है। इसका मतलब है कि वो सिक्योरिटी गार्ड उस हादसे का शिकार है मलबे में। अब जब तक मलबा उठाया नहीं जाएगा, डेड बॉडी रिकवरी नहीं होगी। प्रबंधन को चाहिए कि जल्द से जल्द डेड बॉडी का रिकवरी के लिए जितने आवश्यक कदम हैं उस मलबे को हटाने के लिए। लैंडस्लाइडिंग हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर। सिक्योरिटी गार्ड माइंस में गया, हाजिरी है, इन है, आउट नहीं है। इसका मतलब है कि वो सिक्योरिटी गार्ड उस हादसे का शिकार है मलबे में। अब जब तक मलबा उठाया नहीं जाएगा, डेड बॉडी रिकवरी नहीं होगी। प्रबंधन को चाहिए कि जल्द से जल्द डेड बॉडी का रिकवरी के लिए जितने आवश्यक कदम हैं उस मलबे को हटाने के लिए। गिरिडीह में एक निजी स्कूल के संचालक पर अपनी ही छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है। सोनू एजाज पर आरोप है कि उसने न सिर्फ नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म किया बल्कि अश्लील वीडियो बनाया और फिर वायरल करने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। पुलिस ने आरोपी सोनू एजाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुरु जी की काली करतूत, अपनी ही छात्रा के साथ किया दुष्कर्म, धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप। गिरिडीह के हिरोडी में एक शिक्षक की काली करतूत सामने आई है। आरोप है कि वंडरवेल इंटरनेशनल स्कूल का संचालक सोनू एजाज ने अपनी ही छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, यही नहीं अश्लील वीडियो बनाकर धर्मांतरण का दबाव भी बनाया। दरअसल ग्रामीणों ने सोनू एजाज को एक नाबालिग छात्रा के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। जिस कमरे से सोनू को लोगों ने पकड़ा, उसे सोनू एजाज ने किराए पर ले रखा था। ग्रामीणों का कहना है कि सोनू एजाज पहले भी कई लड़कियों को इस कमरे में लेकर आ चुका है। ऐसे में ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं कमरे से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए। पूरे मामले को लेकर लड़की के पिता ने हिरोडी थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसमें सोनू एजाज पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। निजी स्कूल के शिक्षक पर अपनी ही छात्रा से दुष्कर्म का आरोप।
ग्रामीणों ने आरोपी सोनू एजाज और लड़की को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। लड़की के पिता ने सोनू एजाज पर लगाए कई गंभीर आरोप। सोनू एजाज के स्कूल में पढ़ती है लड़की, बहाने से लिया था मोबाइल नंबर। बहला फुसला कर नाबालिग छात्रा से जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप। दुष्कर्म का वीडियो बनाने और वायरल करने की धमकी देने का आरोप। नाबालिग छात्रा पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप। पुलिस ने आरोपी सोनू एजाज को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आरोपी मुस्लिम है जबकि छात्रा हिंदू है, ऐसे में लव जिहाद के आरोप भी लग रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि प्रथम दृष्टया ये लव जिहाद का मामला प्रतीत होता है, संभव है कि कई अन्य लोग भी इस साजिश का हिस्सा हों। ऐसे में बाबूलाल मरांडी ने झारखंड पुलिस से पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की। न्यूज 11 भारत के लिए गिरिडीह के जमुआ से रवि की रिपोर्ट। अब बात करेंगे लगातार हो रही आफत की बारिश की। लगातार तीन दिनों से हो रही बारिश से कोलांचल पानी पानी हो गया है। घरों में नाली का पानी घुस गया है, वहीं सड़कें भी तालाब में तब्दील नजर आ रही हैं। जल जमाव से लोग परेशान हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी निगम प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। पानी पानी कोलांचल धनबाद, घरों में घुसा नाली का पानी, सड़क भी तालाब में तब्दील। कोयलांचल धनबाद में बारिश ने प्रशासन और निगम के दावों की पोल खोल दी है। धैया के मलिक बस्ती में नाली का पानी घरों में घुस गया है। घर में रखे अनाज बर्बाद हो गए हैं, कपड़े गीले हो गए हैं, बिस्तर पानी पानी हो गया है। यानी लोगों के पास न खाने के लिए अनाज है, न सोने के लिए बिस्तर और न ही पीने के लिए साफ पानी। कुओं में नाली का पानी घुस गया है, ऐसे में कुआं और आंगन में फर्क खत्म हो गया है। लोग परेशान हैं जबकि प्रशासन बेखबर। धैया का मलिक बस्ती है, आप देख सकते हैं कि इस घर में जो है पूरी तरह से पानी डूब गया है। खाने पीने का जो भी पदार्थ है वो पूरी तरह से डूब गया है और बिस्तर तक किसी तरह बचाने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो भी भींग गया है। बना नहीं है, सारा पानी नली का घर में आ रहा है, बच्चा लोग को भी दिक्कत हो रहा है। यहाँ ना अभी तक ले नगर निगम का आदमी आया, ना कोई आया देखने के लिए कि कैसे बच्चा लोग रह रहा, कैसे खा रहा, कैसे बारिश में क्या कर रहा। हर कोई मीडिया वाला आया लेके गया फोटो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आज से 10 साल से यही हाल है। तरह से इतनी स्थिति बस से बदतर हो गई है कि लोग अंदर से लोग पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये पानी कब तक निकालेंगे? यदि फिर बारिश होगी तो फिर जस का तस जो है पूरी तरह से यह भर जाएगा। तो आप साफ तौर पर देखिए कि किस तरह का स्थिति है और तमाम लोग जो है घर में फंसे हुए हैं। मलिक बस्ती के लोगों के लिए आफत बनकर पानी बरसता है। दूसरी ओर धैया के रानी बांध के पास सड़क तालाब में तब्दील हो गया है। सड़क पर घुटने तक पानी जमा है, जिससे आने जाने वालों की परेशानी बढ़ गई है। देख सकते हैं किस तरह का वाहन आ रहा है पानी में हिलते हुए। लग रहा है कि पूरी तरह से तालाब में जो है एक कंपटीशन का दौर है और इस दौर में कौन सबसे ज्यादा तेजी से भागता है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि प्राइज मिलने की संभावना है। कारण यह है कि तेजी से भागने का मतलब यह हुआ कि यदि स्लो मोशन में चलेगा तो कहीं ना कहीं जो है साइलेंसर में पानी पूरी तरह से चला जाएगा और गाड़ियां बंद होने की उम्मीदें रहती हैं। धैया के रानी बांध के पास सड़क पर ऐसी तस्वीर हर साल बरसात में देखी जाती है। जबकि प्रशासन की बेरुखी से नाराज मलिक बस्ती के लोगों ने तो हालात से समझौता कर लिया है। लोग अपनी किस्मत को कोस रहे हैं क्योंकि उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। निगम और प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी बेखबर बना हुआ है, ऐसे में लोग खुद से अपने घरों से पानी निकालने में जुटे हैं। वहीं दूसरों के घर से मिले भोजन से बच्चों की भूख मिटा रहे हैं। अब उसकी आस इंद्रदेव से है क्योंकि आसमान साफ होगा तो इनके घर में चूल्हा जलेगा। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से अशोक की रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश से कोलांचल धनबाद के मैथन डैम का जलस्तर बढ़ गया है। इसके बाद डैम में बोट चलाने वाले नाविकों में खुशी है, अच्छी खासी संख्या में पर्यटक भी आ रहे हैं। वहीं जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर होने की वजह से डैम का 5 रेडियल गेट खोला गया है। पहले तो बहुत कम पानी था, मोटा मोटी आपका 150 फुट नीचे पानी था। अभी इधर के रोज बारिश का वजह से डैम अभी लबालब भर गया और पर्यटक जो है अभी आना जाना उन लोग का शुरू हो गया। इससे हम लोग रोजी रोटी में भी अभी थोड़ा दिक्कत तो है ही है।
सीजन जैसा है नहीं, मगर फिर भी अभी संसार चल। झारखंड में लगातार बारिश होने के कारण संपूर्ण नदियों में जो जलाशय, जैसा कि इस वक्त मैं मैथन डैम में हूं और डैम में कुछ दिन पूर्व भी यहां का जलस्तर जो है 150 फीट पीछे गया हुआ था, किंतु ये लगातार झारखंड में पिछले 4-5 दिनों से लगातार बारिश होने की वजह से यहां काफी पानी भर चुका है। जैसा कि आपको बता दूं कि ये तिलैया डैम से जलस्तर जो तिलैया डैम भरने के कारण यहाँ पानी छोड़ा जाता है और कुछ बरसात के भी पानी है, जिसके कारण मैथन डैम पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और ये खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। डीवीसी प्रबंधन द्वारा जलस्तर को कम करने के लिए 5 फाटक भी खोले गए हैं, जिसका नजारा आप खुद देख चुके हैं, ये मनमोहक दृश्य है और यहाँ सैलानियों का काफी भीड़ लग रहा है इस दृश्य को देखने के लिए। संतोष कुमार, न्यूज 11 भारत, निरसा। कोलांचल में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन में खासा असर देखने को मिल रहा है। बागमारा कतरास के आकाश किनारी में बैजनाथ भुइया का घर बारिश के कारण धराशाही हो गया, जिसमें घर में रखे सभी सामान और खाने की सामग्री बर्बाद हो गई। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार से छत छिन गई है, इसके साथ ही भूखे रहने पर भी मजबूर हो गए हैं। नहीं, खाना बना रहे थे। अच्छा। खाना बना ही रहे थे, उसके साथ फिर गिर गया। फिर हम लोग आवाज सुने तो हम लोग बाहर फिर निकल गए। घटना से हम लोग फिर बच गए। बर्तन सब सब चौपट हो गया, सब जितना था अलग पलंग सब अथी हो गया। खाना बस तो कुछ नहीं, दूसरा अगल बगल से मिल रहा है खाने के लिए। इसी घर में रहते थे। नहीं, खाना धनबाद के धैया स्थित रानी बांध के पास सड़क पर जल जमाव से लोग परेशान हैं। जल जमाव की परेशानियों से निपटने को लेकर नगर आयुक्त की देखरेख में टीम का गठन किया गया, जिसके बाद मोटर लगाकर पानी निकाला गया। वहीं जिले के उपायुक्त ने कहा है कि सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जल्द ही लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी। बेसिकली क्या है कि वहाँ पे तो कंटिन्यूअसली हम लोग काम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौसम जो है सो हम लोगों का साथ नहीं दे रहा है। हम लोग की टीम जो है वो तो कंटिन्यूअसली काम कर रही है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जैसे ही वेदर एक बार थोड़ा जो है सो ठीक होता है तो हम लोग उसको वर्कआउट करेंगे। बाकी उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए कि पानी की निकासी वगैरह कैसे होगी, क्योंकि अभी रोड वगैरह तो बना दिया जा रहा है, लेकिन अगर पानी जमा रहेगा तो लोगों को भी परेशानी होगी और रोड भी कंटिन्यूअसली खराब होते हैं। गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड में लगातार बारिश से एक ग्रामीण के घर का एक हिस्सा कुएं में समा गया है। मामला तारताण पंचायत का है। इस संबंध में पीड़ित विनोद रविदास ने बताया है कि घर के पीछे एक कुआं है जो लगातार हो रही बारिश से लबालब भर गया। रविवार की देर रात घर के पीछे का एक हिस्सा कुएं में समा गया। जोर की आवाज सुनकर वे घर से बाहर निकल गए और किसी तरह ये सभी ने अपनी जान बचाई। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। हमारे पिताजी कॉलोनी थवे रहे थे, हम लोग कल अचानक पानी की बारिश के चलते हमारा घर गिर गया पानी से। हम लोग दो दो छोटे छोटे बच्चा है, तब उन लोग को तकलीफ होगा, पानी कहाँ रहेंगे। जो कुइयां बगल में जो क्षतिग्रस्त अवस्था में है, इनके कारण पानी इनका घर में घुस गया है और पानी घुस जाने के कारण लगातार इनका घर जर्जर अवस्था टूटते जा रहा है। दीवार पूरा क्रेक हो चुका है, घर जर्जर अवस्था में हो चुका है, कभी भी यह घर गिर सकता है। घटना के बारे में मुझे पता चला, वहाँ के वार्ड सदस्य ने हमको बताया कि ऐसे ऐसे घटना होते होते बच गया। तो वार्ड सदस्य को हमने कहा कि हमारे पास अभी फंड नहीं है, फंड जैसे आएगा तो उस कुआं का मरम्मत करके, उसका घर के बगल में ही एक कुआं है तो कुआं का मरम्मत कर देंगे, उसका घर भी सुरक्षित हो जाएगा। बापू को नमन की। देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। कोलांचल के गोमो, बेरमो, निरसा, जामा और डुमरी में राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया।
धनबाद के सेवा सदन में गांधी जयंती मनाई गई। डीसी वरुण रंजन ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। वहीं इस अवसर पर खादी भंडार में 20% की छूट भी दी गई। धनबाद में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती का हीरापुर के माडा क्लब में विधायक राज सिन्हा ने निशुल्क जांच स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। जांच शिविर का उद्घाटन सांसद पीएन सिंह ने किया। स्वास्थ्य जांच शिविर में धनबाद के कई जाने माने डॉक्टरों ने निशुल्क सेवा दी। हम लोग ने सेवा पखवाड़ा हमारी पार्टी मना रही है और उसी के तहत विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य हम लोग कर रहे हैं। पार्टी के अपने कार्यक्रम के अलावा झंडी दिला दिया था हम लोगों ने रक्तदान शिविर उस दिन अपने ही कार्यालय में हम लोगों ने रक्तदान किया था। उसके बाद कई एक और कार्यक्रम हम लोग चले बस्ती में हम गए गरीब लोगों से संपर्क किए या विभिन्न प्रकार के और सेवा प्रकल्प हम लोगों ने चलाया स्वच्छता अभियान चलाया। आज गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है आज दो महान विभूतियों की जयंती है आज के दिन हम लोग इसका समापन कर रहे हैं। देशभर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती मनाई गई। तो इधर बोकारो के सेक्टर 6 में लाल बहादुर शास्त्री सेवा समिति ने लाल बहादुर शास्त्री की जयंती समारोह का आयोजन किया। मौके पर शामिल मुख्य अतिथि के तौर पर मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी ने लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। गिरिडीह के जमुआ में एक जनरल स्टोर में ताला तोड़कर हजारों की चोरी कर ली गई। दुकानदार के मुताबिक सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो दुकान का ताला टूटा पाया। बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र में लगातार बारिश से एक मजदूर का कच्चा घर गिर गया। घटना चिकनाडी पंचायत की है। घर में उस समय कोई नहीं था इसलिए किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन इस घटना में कई घरेलू और खाने पीने का सामान मलबे में दब गया। एसडीएम की अध्यक्षता में जिले के सभी थाना प्रभारियों और पूजा समितियों के साथ न्यू टाउन हॉल में बैठक की गई है, जिसमें पूजा समितियों को सुरक्षा प्रदान करने से लेकर थाना प्रभारियों को पेट्रोलिंग को सुचारू और वाहन जांच अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बिजली विभाग, नगर निगम और पीएचईडी को भी 2 दिनों के अंदर अपने क्षेत्र की समस्याओं का सर्वे कर जिला मुख्यालय को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। पूजा में लगभग 20 दिन है जी, इसीलिए पूर्व में ही एक बैठक कर लिया गया ताकि पूजा पंडाल से ही रिलेटेड सभी तरह की विधि व्यवस्था है, भीड़ वहीं एकत्रित, निर्देश दिए गए सभी तरह का नियम के तहत कार्रवाई करने का, नियम के तरह पंडाल बनाने का या उसमें जो समय सीमा साउंड का सिस्टम या विसर्जन के संबंध में जो भी निर्देश दिए गए वो भी विधि व्यवस्था से संबंधित, और शांति समिति की बैठक में भी आपसी जो लोकल प्रॉब्लम है जिससे बहुत विधि व्यवस्था गड़बड़ाती है उसको आपस में तय करने के लिए पूर्व में ही इन लोगों को वितंतु संवाद दिया गया है। पूजा पंडालों को भी निर्देशित करना है, पूजा पंडालों की समस्याओं को भी देखना, इस निमित्त हमने एक बैठक रखी। पूजा पंडाल आयोजक के अध्यक्ष सचिव या उसके प्रतिनिधि जो आए हुए थे उन थाना प्रभारियों के साथ, इसमें
हमारा जो निर्देश मतलब जिला प्रशासन का जो निर्देश थे पंडालों के द्वारा वो दिया गया है। पंडालों में जो कुछ चीज़ें हैं जिसको विशेष रूप से किया जाना है, निश्चित तौर पे किया जाना है, सीसीटीवी कैमरा का, चाहे अग्निशमन यंत्र का, या आप जो पंडाल बना रहे हैं उससे कहीं रोड अतिक्रमण ना हो, लोगों को असुविधा ना हो, इन चीज़ों को ख्याल रखने के लिए हमने इनको निर्देशित। चंद्रपुरा में संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति के तत्वाधान में 3 अक्टूबर से होने वाले चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र का अनिश्चितकालीन गेट जाम की तैयारी अंतिम चरण पर है। बता दें कि इस प्रदर्शन में सूबे के उत्पाद मद निषेध मंत्री बेबी देवी और बेरमो विधायक अनूप सिंह के साथ डीवीसी प्रबंधन शामिल रहेंगे। आपको बताएं 21 दिनों पहले डीवीसी प्रबंधन पेंशनरों के विरुद्ध एक गैजेट लाई थी जिसमें पेंशनरों के क्वाचरों का 25 गुना भाड़ा में वृद्धि कर दी गई थी। साथ ही प्लांट के अवस्थापित रोजगार के लिए भटक रहे हैं जिसको लेकर इसमें आक्रोश है। प्रबंधन की जो दमनकारी नीति जो अभी एक चिट्ठी निकाल के जो भी यहां लोग हैं जैसे विस्थापितों को 30 किलोमीटर के दायरे में जो लोग हैं उनको क्वार्टर नहीं देना, एक ही बार रूम का जो लीज का भाड़ा उसको 25% बढ़ा देना, मैंने एक तरह से मैंने जैसे नहीं होता है कि अंग्रेजों के नीति लागू करके पूरा चंद्रपुरा या बीटीपीसी जो भी उसकी कंसर्निंग का है सभी को खाली कराने का जो नीति एक डीवीसी जो चल रही है जो गरीबों को उजाड़ा जा रहा है उसके विरोध में माननीय विधायक कुमार जयमंगल सिंह और बेबी देवी जी मंत्री उपाध्याय झारखंड सरकार के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज 12 बजे रात से संपूर्ण डीवीसी का गेट जाम आंदोलन होने जा रहा है। धनबाद के निरसा में नमामि गंगे की तर्ज पर गंगा आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वीडियो विनोद कर्माकर एवं जनप्रतिनिधियों ने दीप जलाकर किया। समापन समारोह में आज हम लोग मैथन डैम में जो गोगना छठ घाट है यहाँ पर हम लोग गंगा आरती के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। और चूंकि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा था कि स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूकता लाना, हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए और आज का समापन कार्यक्रम में भी यही संदेश रहेगा, लोगों से अनुरोध रहेगा सभी से कि स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें और अपने आसपास सारे चीजों पर सफाई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।